चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जाते हैं वह स्थान भी तीर्थ स्थान बन जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि शास्त्रों में बताया है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। शुद्ध भक्तों का कैसा महत्व होता है, वह हृदय में कृष्ण को धारण करते हैं, और जहाँ शुद्ध भक्त अपना पैर रख देते हैं वह स्थान को तीर्थ बना देते हैं। शुद्ध भक्त तीर्थों में पवित्र होने नहीं जाते हैं, तीर्थ को पवित्र कर देते हैं। ऐसा शुद्ध भक्तों का आचरण होता है, कृष्ण को हृदय में धारण करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम भी तो कृष्ण को हृदय में धारण करते हैं, हमारे हृदय में भी तो भगवान है। हमारे हृदय में भगवान है लेकिन निष्क्रिय है ना, एयरप्लेन मोड में है ना, नेटवर्क आ रहा है ना नेटवर्क जा रहा है। उपदृष्टा अनुमंता च भरत भुक्त महेश्वर। उपदृष्टा केवल देखते हैं कि क्या क्या काम जीवात्मा कर रहा है, लेकिन वही परमात्मा सक्रिय हो जाते हैं, वह कृष्ण बलराम बन जाते हैं जब भक्त प्रेम से उनकी सेवा करता है। भक्त के हृदय में सक्रिय रूप से श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा भक्त जहाँ भी जाता है वह स्थान पवित्र हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया है गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन दर्शने पवित्र करी एहि तुमार्गम। दर्शन से पवित्र करने की क्षमता शुद्ध भक्तों के अंदर होती है। हम सभी इसके इसके विटनेस हैं, साक्षी हैं, क्योंकि हमारे जीवन में क्या ऐसे गुण थे जो हम कृष्ण भक्ति में आ गए। किसी ना किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य में आने से हमारे अंदर भी कृष्ण भक्ति स्फुरित हो गई। ये कृष्ण भक्तों का विशेष कृपा क्या होती है, हृदय में कृष्ण भक्ति को जागृत कर देते हैं। कल भी हम प्रमोदानंद प्रभु जी के घर में यह बात कर रहे थे कि कैसे हर व्यक्ति प्रेम की तलाश कर रहा है। जीवात्मा की वास्तविक भूख क्या है? प्रेम। और उस प्रेम को कहाँ जाकर के वो प्राप्त करता है? कृष्ण के भक्तों के बीच में, कृष्ण के चरणों के आश्रय में वह प्रेम अनुभव करता है। जैसे मान लो किसी पथिक को अपना गंतव्य मिल गया हो, जैसे किसी वैज्ञानिक को अपनी खोज मिल गई हो, इस प्रकार जीवात्मा को जब कृष्ण का चरणों का आश्रय मिलता है तो उनकी जन्मों जन्मों की खोज पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए यह आध्यात्मिक जगत का एक नमूना है भक्तों का संघ। आध्यात्मिक जगत क्या है? भक्तों का संघ है। चाहे भक्तों का संघ नरक में मिले वह भी आध्यात्मिक जगत है, लेकिन कई धर्मों में जो हेवन या स्वर्ग की कल्पनाएं बताई गई हैं, ऐसे स्वर्ग जहां भगवत धाम में भक्तों का संग ना हो तो वह धाम किस बात का धाम है? यहां तक कि भगवान स्वयं भी भक्तों के संग में आनंद प्राप्त करते हैं। वेद शास्त्र बताते हैं कि पहले केवल भगवान अकेले थे तो अकेले बोर हो गए, क्या करते, व्हाट्सएप होता तो चला लेते, तो व्हाट्सएप भी नहीं था तो अकेले भगवान बोर हो गए, अभी क्या करेंगे, तो आनंदमय अभ्यास है। आनंद के तो स्त्रोत्र हैं, अब आनंद के स्त्रोत्र जो हैं आनंद वर्धन के लिए जन्मादियतः जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं। वह स्त्रोत्र हैं सारी जीवात्माओं के, सृष्टि के, प्रकृति के। और जब इस प्रकार यह भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार सब कुछ भगवान से आता है, एकमात्र प्रयोजन उसका होता है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को आनंद प्रदान करना। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, ये भौतिक संसार का प्रयोजन क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति। तो बड़ा खुश हो गया भक्त कि प्रभुपाद ने लाइसेंस दे दिया इंद्रिय तृप्ति। प्रभुपाद बोलते रेस्कल तुम्हारी नहीं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए है। तो यहाँ जो कुछ है, प्रकृति है, हम लोग हैं, जीवात्माएं, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ भगवान के आनंद के लिए है। और जब जीवात्मा भगवान को प्रसन्न करता है स्वयं प्रसन्न होता है, जब खुद को खुश करने की कोशिश करता है और ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में आप देखिए लोग खुश नहीं हैं,
आप कभी, मैं बहुत बार ये एक्सरसाइज किया हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, कभी थोड़ा हाईवे पे गाड़ी रोक के खड़े हो जाइए और केवल देखिए जो लोग अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं उनको देखिए, उनके चेहरे पे आप तनाव देखेंगे, एक खालीपन देखेंगे, दुख देखेंगे। क्या नहीं है लोगों के पास? क्या धन का अभाव है, समृद्धि का अभाव है, परिवार का अभाव, किस चीज़ का अभाव है? आनंद का अभाव है। और इसलिए लोग दूसरों का दोष दर्शन करते रहते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, दूसरों का लोग दोष दर्शन करते हैं। क्यों? अंदर खालीपन है, दूसरों की प्रसन्नता देख करके दुख होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बहुत बार बताता हूँ, एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के मेला देखने के लिए गया, और मेला देखने के लिए जब गया था तो पार्किंग में गाड़ी लगाई। अब गाड़ी लगाते लगाते एक दूसरी गाड़ी में थोड़ा सा टच हो गया। अब जिस गाड़ी को थोड़ा टच हुआ वो व्यक्ति बाहर निकल के आया, 6.5 फुट का आदमी, लंबा चौड़ा, ये छोटा छोटा व्यक्ति था। परिवार साथ में, दोनों की लड़ाई होने लगी। अब लड़ाई लड़ाई में इतनी बात बढ़ गई, एक दूसरे को गाली देने लगे। अब ये छोटा व्यक्ति क्या बोलता, बड़ा व्यक्ति तो गाली गलौज करने लगा। बोला, गाली तक ठीक है, हाथ नहीं लगाना। तो ये लंबे व्यक्ति ने एक कस के थप्पड़ मार दिया। अभी ये सकपका गया, लड़ तो सकता नहीं था। बोलता है, मुझे मारा ठीक है, मेरी पत्नी को हाथ मत लगा देना। उसने पत्नी को भी एक मार दिया। बोलता है, मेरी पत्नी को भी मार दिया, चलो ठीक है, मेरे बच्चों को कुछ बोला ना तो खबरदार, देख लेना। उसने एक एक बच्चों को भी दे दिया। अभी चारों पिट गए। उसने बोला, चलो घर वापस चलते हैं, गाड़ी में बैठ के घर वापस आए। घर आके पत्नी और बच्चों ने पूछा, भाई साहब आप पिटे ठीक है, आपकी लड़ाई हुई, आपने हमको क्यों पिटवाया? बोले, अगर मैं अकेला मार खा के आता ना तो तुम मेरा मजाक उड़ाते। अब हम चारों को बराबर पिटाई पड़ गई है, अब कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता है। यह भौतिक संसार है, दूसरे की खुशी देख करके दुख होता है, ये क्यों नहीं पिट रहा है? भौतिक संसार। जैसे एक बार एक राजा दान दे रहा था, खूब अच्छे स्वर्ण पात्र में खूब सारी मुद्राएं रख के, कभी किसी को दूध घी शक्कर इत्यादि, जो जिसको जो चाहिए उसको दान दे रहा था। तो ऐसे ही दान की श्रृंखला में वह दान देता जा रहा था। इतने में पास से एक बाज बोलते हैं ईगल को, बाज एक सांप को पकड़ के ले जा रहा था। सांप को पकड़ के बाज ले जा रहा है, और उसी बीच सांप ने थोड़ा विष छोड़ दिया, तो वो विष जाकर के वो पात्र में गिरा जो राजा दूध भर के किसी को दान दे रहा था। जैसे जिसको दान दिया उसने वो दूध पिया, अब उसमें तो विष था, वो ऑन स्पॉट वहीं पर मर गया। अब यमदूत आए। अब यमदूत ये विचार कर रहे थे कि कर्म किसको दें, इसका जो पाप है किसको लगेगा? राजा को लगेगा नहीं, राजा की तो क्या गलती है, तो दान दे रहा है बेचारा, अभी कहाँ से सांप का विष गिर गया, उसकी तो गलती नहीं है। क्या सांप को लगेगा? सांप को बाज उठा के लेके जा रहा है, अब सांप की क्या गलती है? वो बीच में उसका शरीर इस तरह है, सर्प ने विष छोड़ दिया, और उसको थोड़ी पता था यहाँ गिरेगा राजा दे देगा, वो पी के मर जाएगा। फिर तीसरा देखा कि बाज को लगेगा नहीं, वो तो अपना आहार उठा के ले जा रहा है, उसको क्या मालूम कब सांप ने जहर छोड़ दिया। तो ये यमदूत बड़े कंफ्यूज थे, इसको तो हम ले जाएंगे, इसका पाप किसको दे के जाएंगे? तो वहाँ एक महिला खड़ी होकर के बोल रही थी, ये राजा ऐसा ही है, इतना बेकार है, देखो इसने बेचारे आदमी को मार दिया, और इसको मैं शुरू से जानती थी, ये पाखंडी है, ढोंगी है, ये है। यमदूत ने बोला, हाँ यही कैंडिडेट है, इसको तीनों का पाप दे दो। जो तिरस्कार करे, जो दूसरों की गलतियां निकाले, भौतिक जीवन इसी को बोलते हैं। अगर हमको भौतिक जीवन से उठ के आध्यात्मिक जीवन में जाना है, दूसरों के गुण देखना शुरू करना होगा। दूसरों के गुण क्या है? एक नए भक्त में और उन्नत भक्त में अंतर क्या होता है? नया भक्त सोचता है, मैं ही भक्त हूं बस, मैं और भगवान, ज्यादा से ज्यादा गुरु को सम्मान करेगा। लेकिन उन्नत भक्त कौन है? सभी वैष्णवों को सम्मान करते हैं। वैष्णव छोड़ दीजिए, बाकी जीवात्माओं से भी सीख लेते हैं। जैसे अवधूत की कहानी भागवत में आती है, 24 गुरु अवधूत ने बनाए, किस किस से सीख लिया? वैश्या से सीख लिया, पिंगला, हाँ, पक्षियों से, समुद्र से, हर व्यक्ति से सीख लिया। ये उन्नत भक्त की निशानी होती है।
एक बार दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा कर के इसी तरह कंप्लेन कर रहे थे, बोलते हैं कि आप युधिष्ठिर को इतना प्रेम क्यों करते हैं, हमको इतना प्रेम नहीं करते, आप पांडवों को ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक कार्य सिद्ध करके लाइए, हम आपको ज़्यादा प्रेम करना शुरू करेंगे। क्या कार्य करना है? बोले एक काम कीजिए, सबसे गुणवान व्यक्ति को ढूंढ के लाइए, पूरे राज्य में सबसे गुणवान व्यक्ति को ढूंढ के लाइए, आप जब ढूंढ के ले आएंगे हम आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे। दुर्योधन छोटा था, पूरे राज्य में गया सुबह से रात तक ढूंढ के, कोई मिला ही नहीं। रात में आकर के द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि वास्तव में किसी के अंदर गुण मुझे दिखाई नहीं, सबसे अच्छा गुणवान व्यक्ति कोई मिला तो मैं आईना में देख रहा था, खुद को ही देखा, मैं ही हूँ सबसे गुणवान व्यक्ति। द्रोणाचार्य ने बोला वेरी गुड। फिर युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर एक काम करो, सबसे ज़्यादा दोषपूर्ण व्यक्ति को उठा के लेके आओ, बहुत दोषों से पूर्ण है वो। अभी बेचारा पूरा दिन घूम के आया, रात में आकर के बोलता है मुझे किसी के अंदर दोष ही नहीं दिखा, दोष दिखा तो एक व्यक्ति के अंदर, मेरे अंदर, मैं सबसे बड़ा दोषपूर्ण व्यक्ति। द्रोणाचार्य बोलता है ये अंतर है, तुम्हें किसी का गुण नहीं दिखता है और इनको किसी का दोष नहीं दिखता है, इसलिए धर्मराज है। तो जो जितना दूसरों के गुण देख पाएगा उतना आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगा। तो हम लोग उसी श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज चर्चा करेंगे। आप लोगों के पास कितना समय है पहले बता दीजिए, कितनी भूख लगी है, हाँ सुनना चाहते हैं? हाँ, कृष्ण बलराम को बहुत प्रिय एक ग्रंथ है, वह ग्रंथ का नाम है बृहत भागवतामृत। यह ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखा है। सनातन गोस्वामी हमारी परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है। रूप गोस्वामी उनको अपना गुरु मानते थे, चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु तुल्य सम्मान करते थे। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि सनातन गोस्वामी के गुरु हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी के गुणों की वजह से चैतन्य महाप्रभु भी उनकी बात को मानते थे, उनके सुझाव को बड़ी गंभीरता से लेते थे। और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते थे कि तुम जो आए हो भौतिक संसार में, पूरा विश्व को पवित्र करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी हमारी परंपरा के आचार्य हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, बृहत भागवतामृत। यह ग्रंथ बताता है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसके ऊपर, अगर हम चर्चा करेंगे विस्तार से तो महीनों तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम इसके प्रथम खंड से कुछ आज श्रवण करेंगे। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कैसे एक भक्त दूसरे भक्त के गुणों को देखता है, अपने आप को तुच्छ मानता है, और कैसे सर्वश्रेष्ठ भक्त इस संसार में, आध्यात्मिक संसार में, सभी में सबसे प्रिय भक्त भगवान को कौन है। यह पूरी श्रृंखला बृहद भागवतामृत में हमको देखने के लिए मिलती है। तो हुआ ऐसा कि आप लोग जानते हैं भागवत की शुरुआत कैसे हुई, भागवत कैसे बोली गई, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है, और श्राप मिलने के समय सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर आ जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी का सम्मान इत्यादि करके परीक्षित महाराज उनसे बोलते हैं कि आप हमको कृष्ण कथा सुनाइए। हरे कृष्ण, जय संतों के आगमन हो गया है, हरे कृष्ण। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी बाल्य रूप में ही थे, जैसे ये बच्चे लोग आए हैं तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर परीक्षित महाराज के समक्ष आ गए, और परीक्षित महाराज ने उनसे बोला कि जन सामान्य के लिए क्या कर्तव्य है, और दूसरा जो मरने वाला है उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी, जो महाराज परीक्षित को सबने हताश निराश किया, जो ऋषि मुनि वह इकट्ठे हुए थे, परीक्षित महाराज उनको पूछे थे हमारे पास 7 दिन हम क्या करें, कोई बोलता है आप कर्मकांड कीजिए, अभी कर्मकांड कहाँ से 7 दिन में आपको पर सिद्धि दिलाएगा, कोई बोलता नहीं नहीं आप ज्ञान मार्ग में चले जाइए, तो ज्ञान मार्ग में शास्त्र पढ़ने में कितना समय लगेगा, नहीं नहीं तपस्या कीजिए, कितना साल कीजिए, 1000 साल कीजिए, मेरे 7 दिन टाइम है, क्या करें। सुखदेव गोस्वामी आकर के आशा देते हैं।
सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तुम क्या 7 दिन की बात करते हो, खटवांग महाराज एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिए, 48 मिनट मात्र। आयुर हरति वै पुंसाम, आयु उनकी सूर्य हरता है जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं। आप कृष्ण चिंतन करो, कृष्ण श्रवण करो, आपकी आयु कभी भी घटेगी नहीं। इस प्रकार प्रोत्साहन सुखदेव गोस्वामी ने दिया। शुरू में तो थोड़ा भय शोक मोह था परीक्षित महाराज का, लेकिन जैसे जैसे श्रवण करते गए शोक भय मोह सब उड़ गया। 6 दिन की कथा सुन ली। 7वें दिन परीक्षित महाराज की जो माता है, ध्यान से सुनना, परीक्षित महाराज की जो माता है उनका नाम क्या है? उत्तरा। उनको चिंता हुई कि हमारा बेटा है, आज तो 7 दिन हो जाएंगे, इनकी मृत्यु होने वाली है, 6 दिन निकल गए हैं, इनसे थोड़ा बातचीत तो करना चाहिए। और जितना भय मरने वाले को होना चाहिए उसको तो भय है नहीं, माता को बहुत भय है, कष्ट है, क्या होगा, कैसे सर पाएगा, कैसे काटेगा, कैसे क्या गति होगी, बहुत डर रही थी। तो उत्तर आकर के परीक्षित महाराज को बोलती है, परीक्षित मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों माता, क्यों डर लग रहा है? बोले आप जाने वाले हैं, आप तो भागवत श्रवण कर लिए हैं, लेकिन मेरा डर नहीं जा रहा है, तो आपने जो सुना है मुझे सुना दीजिए। अब परीक्षित महाराज बोले, 7 दिन हो गए, 7वां दिन कब आएगा तक्षत, आपको कैसे पूरा रिपीट टेलीकास्ट सुनाएंगे, आप क्लास में लेट आए हैं तो आपको कैसे रिपीट टेलीकास्ट सुनाएंगे, अभी तो छूट गया, आपको नहीं बोल रहा हूँ, उस तरह को परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि आपको कैसे रिपीट सुनाएंगे। तो फिर परीक्षित महाराज को उत्तरा बोलती है, काम कीजिए संक्षिप्त में बता दीजिए, जो सीखा है उसका सार बता दीजिए। तो परीक्षित महाराज बोलते, ठीक है, आपको भागवत का अमृत हम पिलाएंगे सार रूप में। तो ये बृहद भागवत अमृत वह बातचीत है जो परीक्षित ने उत्तरा को बताई, और इसमें यह श्रृंखला बताई कि भक्त श्रेष्ठ कौन है, भक्ति के बहुत गूढ़ सिद्धांतों को एक कहानी के माध्यम से बता दिया। परीक्षित महाराज बताते हैं, प्रयाग में एक बार सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, बहुत सारे साधुओं का सम्मेलन था, और सभी लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, बड़ी ठंडी भी थी, और गंगा स्नान व्रत तप इत्यादि में निपुण ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे और एक दूसरे का गुणगान कर रहे थे कि आप सबसे अच्छे भक्त हैं, आपको भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसे साधु लोग एक दूसरे को सम्मान कर रहे थे। इसी बीच वीणा बजाते हुए कौन आ गए? नारद जी आए। वीणा मतलब नारद जी, राधिका रमण नाम है, भगवान राधा रमण का नाम लेते लेते वीणा बजाते बजाते नारद मुनि सभी जगह विचरण करते रहते हैं। तो जब नारद मुनि आए उस समय पर नारद मुनि उन ब्राह्मणों की, उन संतों की बात सुनते हैं, एक दूसरे को जो बोल रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कृपा मिली है। तो नारद मुनि सोचने लगे कि कोई तो ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान को होगा, कौन है? तो वो थोड़ा परीक्षा करने लगे, कौन है कौन है। तो इसी में एक देखा, एक ब्राह्मण ठंडे गंगा के जल में स्नान करके आया है और खूब सुंदर वेदी हाथ से उसने बनाई, मिट्टी का आसन बनाया, ऊपर स्वर्ण छत्र रखा, शालिग्राम शिला को पधराया और खूब सेवा पूजा करने लगा, यथा सामर्थ्य खूब भोग लगाए, खूब कपड़ा वस्त्र इत्यादि चढ़ाए और ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र इत्यादि बांटे, सब ब्राह्मण उसकी तारीफ कर रहे थे, वहाँ देखो सेवा हो तो ऐसी हो, भगवान को देख करके भक्त की सेवा पता पड़ती है। जैसे यहाँ कृष्ण बलराम जितना मुस्कुरा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि बहुत खाने पीने को मिल रहा है और खूब सेवा अच्छे से चल रही है। तो इस प्रकार से सभी लोग बोल रहे, क्या सेवा करता है ये ब्राह्मण, सबसे श्रेष्ठ भक्त है। तो नारद मुनि उसके पास चले गए। नारद मुनि बोलने लगे कि देखो तुम कितने महान भक्त हो। बोले क्यों? बोले सभी लोग भगवान के पास जाते हैं काम होने के पहले, काम होने के पहले हमारी बहुत भक्ति होती है, हम भक्त बनने के बाद भी कभी क्लास देने का मौका आए तो कितना प्रार्थना करके जाते हैं ना, क्लास के बाद कितनी प्रार्थना करते हैं, मंगलाचरण जो होता है क्लास के पहले, क्लास के बाद कितनी प्रार्थना करते हैं, कभी कोई एग्जाम हो कुछ हो मंदिर में भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन नारद मुनि उनको बोलते हैं, आप अच्छे भक्त हो, क्यों कि इतनी सेवा पूजा सबकी, सब इतना सम्मान कर रहे हैं, फिर भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप अहंकार से मुक्त हो, बहुत अच्छा गुण देखा,
अब ये ब्राह्मण स्टेटस में नहीं डाला कि टुडे नारद मुनि ग्लोरिफाइड मी, हमारे ये समस्या है। थोड़ा कोई प्रशंसा करता है वो चढ़ाता है एक माले पे, हम कूद के दसवें पे चले जाते हैं। तो ब्राह्मण बोलने लगा, मैं क्या पूजा सेवा करूंगा, मेरा सामर्थ्य मेरे पास है कितना जो मैं पूजा करूंगा। दक्षिण भारत में एक बहुत महान राजा है, वह राजा भगवान की बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। मैं तो अकेला कर रहा हूं, उनके राज्य में जितने ब्राह्मण हैं, जितने साधु हैं, जितने वैश्य शूद्र, सब भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। पग पग पर भगवान के मंदिर हैं, देवालय हैं, और इतनी समृद्धि से वहां सेवा पूजा चल रही है। आप उनके पास जाइए, वो भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वो कृष्ण दैत हैं, दैत मतलब प्रिय, कृष्ण को प्रिय है। तो ये बात सुन के नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मण के रिकमेंडेशन लेटर लेके चले गए साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में राजा के जैसे ही राज्य में प्रवेश किए, खूब भक्ति चल रही है, यज्ञ इत्यादि चल रहे हैं, मंदिरों में अर्चन चल रही है, ऐसी समृद्धि उन्होंने कहीं देखी नहीं। और सबसे अच्छी बात नारद मुनि को ये लगी, जब राजा के महल में अंदर प्रवेश किए तो परिवार समेत राजा भगवान का कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, परिवार समेत। जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए, जिस दिन परिवार साथ में मिलके हरिनाम कर ले, जिस दिन परिवार मिलके भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाए, घर ही गोलोक वृंदावन हो जाता है। उस व्यक्ति को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपद तात्पर्य में लिखते हैं, यदि किसी के घर में सब भक्त हो, पत्नी सहायक हो, उस व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, वो घर ही उसका गोलोक वृंदावन है। तो उस प्रकार से नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए, राजा के पास जाकर के बोले कि आप भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? बोले स्वयं भक्ति नहीं कर रहे हो, पूरे राज्य को भक्ति करा रहे हो, इतना आपका प्रताप है, इतना भक्ति भगवान के प्रति, इतना आप ऐश्वर्यों को अर्पित कर रहे हो, भगवान आपसे कितने प्रसन्न हैं। वो राजा हाथ जोड़ करके बोलता है, मैं अच्छा भक्त नहीं हूं, मैं क्या अर्पित करूंगा, मैं भौतिक ये धराधाम भूमंडल पर रहने वाला जीव हूं, मेरी आयु ही कितनी है, मैं कितनी सेवा करूंगा और कितने दिन लोगों को भक्ति कराऊंगा, मैं मर जाऊंगा फिर राज्य में कोई दूसरा राजा आएगा, फिर वो क्या क्या कराएगा, तो मैं उतना अच्छा भक्त नहीं हूं, तो कौन अच्छा भक्त है आप रिकमेंड करो। बोले राजा इंद्र सबसे अच्छे भक्त है। कि देखो ऐश्वर्य होने के बाद, देवताओं के राजा होने के बाद भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, कि भागवत में लिखा है इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृगंते युगे युगे, कि इंद्र को जब संकट आता है भगवान अवतार लेते हैं ना, तो कितना भगवान उनसे प्रेम करते होंगे, सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं इंद्र, तो आप इंद्र के पास चले जाइए। नारद मुनि को लगा अच्छी बात है, इंद्र के पास गए। तो जैसे ही स्वर्ग लोक में प्रवेश किया, वैसे ही देखते हैं कि भगवान इंद्र के छोटे भाई बन गए, इसलिए भगवान का एक और नाम है इंद्र अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, इंद्र के अनुज बन गए हैं। जब बलि को मर्दन करने के लिए भगवान ने वामन रूप लिया था तो अदिति के गर्भ से लिया था, और इंद्र के छोटे भाई के रूप में वामन देव आए। इतना ही नहीं, जैसा बड़े भाई का अधिकार होता है वैसा भगवान वामन देव ने इंद्र को अधिकार दे रखा था। इंद्र कभी बोलते थे भगवान अभी ठंड लग रही होगी, अभी गर्मी लग रही होगी, अभी खाने का समय हो गया, और कीर्ति देवी से शादी भी कराई इंद्र ने, जैसे बड़े भाई छोटे भाई की शादी कराता है, इतना अधिकार इंद्र ने, भगवान ने इंद्र को दिया था। तो जैसे ही नारद मुनि प्रवेश किए, साक्षात वामन देव वहां पर बैठे हैं, और सारे बृहस्पति इत्यादि सप्तऋषि सारे देवतागण इंद्र समेत सब उनकी पूजा कर रहे हैं, और इंद्र के पूरे शरीर में आंखें हैं। आपने इंद्र का चित्र देखा हो, सहस्त्र आंखें उनके पूरे शरीर में हैं। सारी आंखों से रोता हुआ इंद्र बोलता है कि आपने मेरी कितनी रक्षा की, हर अवतार में आकर के आपने रक्षा की, दानवों से मैं परेशान हुआ, आपने मेरा हमेशा मान बचाया है, इस तरह अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और भूमंडल पे तो नारद मुनि ने देखा था कि विग्रहों की सेवा हो रही है, साक्षात भगवान बैठ करके इंद्र की सेवा ले रहे हैं। नारद मुनि को बड़ा अच्छा लगा कि तो सच में बड़ा भक्त है। नारद मुनि
थोड़ा समीप गए, वामन देव के जाने का समय हो गया, वामन देव चले गए, इंद्र पीछे पीछे दौड़ रहा है, वामन देव चले गए, इंद्र आकर के बैठ गए, नारद मुनि चले गए, नारायण नारायण आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, आप जैसा भक्त कहीं देखा ही नहीं कि स्वयं साक्षात भगवान आपकी सेवा लेते हैं और आपका इतना भाव, आप रुदन कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, भगवान जब जा रहे हैं पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, इतना प्रेम तो मैंने कभी देखा ही नहीं, भगवान आपके छोटे भाई बन गए हैं। तो नारद मुनि को दोनों हाथ पकड़ करके इंद्र बोलते, नहीं नहीं मुझे और लज्जित मत कीजिए, क्यों, मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं, आपको याद नहीं मैंने कितने भोग विलास में भगवान को विस्मृति कर लिया था, कितनी बार भूल गया था, और क्या आपको वो समय याद नहीं जब मैंने ब्रजमंडल के ऊपर वर्षा की थी, मैं तो जब वो बात को याद करता हूँ तो मैं कांपने लगता हूँ, मैंने कितना घोर अपराध किया कि भगवान भगवान के भक्त ब्रजमंडल को विनाश करने के लिए मैं तैयार था। तो इस प्रकार से भगवान को कई बार मैंने कष्ट दिए हैं, आप मुझे भक्त मत बोलिए। तो नारद मुनि बोलते, भाई बहुत देर से घूम रहा हूँ सुबह से, तो आप ही बता दो कौन भक्त है। बोले ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं, ब्रह्मा जी से बड़ा भक्त और कौन होगा, मेरे जैसे 14 इंद्र ब्रह्मा के एक दिन में निकल जाते हैं, ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनवंतर निकल जाते हैं, तो हमारे जैसे 14 इंद्र निकल जाते हैं, लेकिन उनकी भक्ति प्रगाढ़ देखिए, वह चारों वेद जिनके मुख से सतत निकलते रहते हैं, भगवान के प्रधान सेवक, हमें जब संकट आता है हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी अपनी पुरुषोक्त प्रार्थनाओं से भगवान विष्णु को हमारी समस्या बताते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं, हमारे लिए थोड़ी लेते हैं, ब्रह्मा जी के कारण लेते हैं। तो ब्रह्मा जी से महान भक्त और कोई नहीं है, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, आपके तो पिताजी हैं घर में ही, अब शुद्ध भक्त आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो नारद जी फिर वीणा बजाते बजाते ब्रह्म लोक को चले जाते हैं, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी महेश्वर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर महापुरुष के रूप से विद्यमान रहते हैं हमेशा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी वहाँ पर अपने चारों मुखों से, चार वेदों से उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सारे सिद्ध पुरुष उनकी प्रार्थनाओं में सम्मिलित होते हैं, और उस प्रकार महापुरुष भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की सारी सेवाएँ स्वीकार करते हैं। तो यह सब नारद मुनि देखते हैं, जब सेवा पूजा पूरी हो गई भगवान विश्राम करने के लिए जाते हैं, उस समय पर ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि जाते हैं, पिताश्री हमको तो मालूम ही नहीं था, आपका इंट्रोडक्शन तो आज मिला है कि आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, आप भक्त उत्तम हैं, आप भक्त श्रेष्ठ हैं, कृष्ण को प्रिय हैं, सबसे बड़े भक्त हैं। हमारा बेटा आकर के हमको ऐसा बोलेगा तो हमको कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को थोड़ा धीरे से थप्पड़ मारा, बोला बेटा तुमको इतना सिखाया पढ़ाया फिर तुम भूल गए, भागवत के द्वितीय स्कंद में तुमको सिखाया था ना कि कौन परम पुरुष है, कृष्ण परम पुरुष है, फिर तुम इधर आके हमारा सम्मान कर रहे हो, क्या मनवंतर और क्या ब्रह्मा, मैं कितनी गलतियां करा हूं, आज भी सोचता हूं तो बड़ा दुख होता है, भगवान अपने बछड़ों के साथ, गायों के साथ, ग्वाल वालों के साथ वन में विहार कर रहे थे और मैंने उनके बछड़े चुरा लिए, मैंने उनके बाल सखा चुरा लिए, कितना अपराध किया मैंने, मैं भक्त श्रेष्ठ नहीं हूँ। अरे तो कौन भक्त श्रेष्ठ है, बोले मैं तो बड़ा आसक्त हूँ, मेरी चेतना से मुझे लगता है कि मैं सृष्टि चला रहा हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा अहंकार है, लेकिन अहंकार से मुक्त है भगवान शिव, भगवान शिव सबसे बड़े भक्त हैं। तो जाओ वैष्णवानाम यथा शंभु शास्त्र बोलते हैं, जाओ शिव जी के पास जाओ। नारद मुनि शिव जी के पास जाए, वहाँ जब पहुँचे तो भगवान शिव सतत भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान शिव का एक ही काम है, केवल भगवान का नाम लेना। इतने विरक्त हैं, जब उनकी शादी पार्वती से हुई तो पार्वती बोलती, भाई तुम बाबा जी बढ़िया बात है, हम कहाँ रहेंगे, घर ही नहीं तो कहाँ रहोगे, हमको कहीं रखने की व्यवस्था करो। तो भगवान शिव ने बोला, ये कहाँ के पछड़े में पड़ गया शादी की, चलो ठीक है तो अब घर बनाना पड़ेगा। तो भगवान शिव ने पार्वती के लिए घर बनाया। अब घर जब बनता है तो गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश में यज्ञ इत्यादि होते हैं, ब्राह्मणों को बुलाया कि आइए गृह प्रवेश का यज्ञ कीजिए, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। अब यज्ञ के बाद तो कुछ दक्षिणा देना है,
तो ब्राह्मण बोलते दक्षिणा दीजिए साहब, भगवान शिव बोलते दक्षिणा में क्या दूं क्या दूं, ये घर ही दे दिया उठा के ब्राह्मणों को, जो घर का गृह प्रवेश था वही ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इतना विरक्त भगवान शिव, सतत भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। नारद मुनि जाकर के प्रशंसा करने लगे, आप साक्षात हरिहर भगवान के ही अंश हैं, आप भगवान से अभिन्न हैं, भगवान आपको स्मरण करते हैं और इतना भगवान आपकी पूजा तक करते हैं, रामेश्वरम में पूजा की, कितनी जगहों पर पूजा की, आप भक्त श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव को क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया। क्रोध में बोलते हैं अभी एकदम चुप हो जाओ, नहीं तो आपको मालूम है हमारा प्रलय का हमारा ही सेवा है, तो निपटाने का काम हमारा ही है, तो बिल्कुल फालतू बात नहीं करना है। नारद मुनि बोले क्यों क्रोधित होते हो? बोले आप हमको भक्त श्रेष्ठ मत बोलिए, क्या आपको मालूम नहीं हम तमोगुण में सेवा करते हैं, हमको तमोगुण में जाकर के प्रलय इत्यादि करनी पड़ती है, और अगर हम इतने प्रिय होते हैं तो भगवान ने हमको मायावाद का प्रचार करने की सेवा क्यों दी? भगवान शिव को ये सेवा दी भगवान ने कि शंकराचार्य के रूप में जाना और मायावाद फैलाना, मायावाद मतलब कृष्ण के स्वरूप को भूल जाना। तो अगर हम इतने प्रिय होते हैं तो भगवान हमको इस तरह सेवा क्यों देते, और सबसे बड़ी बात घर के बाहर क्यों रखते हैं? मान लो आपके बहुत प्रिय कोई गेस्ट आए हैं, आप घर पे ही उनको मिलो, हाथ मिलाओ, चाय पानी कराओ, घर से बाहर से ही भेज दो, तो उनको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? भगवान शिव कौन है? क्षेत्रपाल, हमेशा ही धाम की बाउंड्री पर रहते हैं, आध्यात्मिक जगत के भी बाउंड्री पर भगवान शिव बैठे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसको प्रवेश देना है भगवान शिव का अधिकार है। तो भगवान शिव बोलते हैं कि अगर हम इतने प्रिय होते तो घर के अंदर लेते ना हमको, हमको रखा दरवाजे पे, तो हम तो इतने प्रिय नहीं हैं, घर के अंदर के जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रिय हैं। कौन है अंदर के लोग? वैकुंठवासी सबसे प्रिय हैं, वैकुंठ में जो शाश्वत रहते हैं वह सबसे प्रिय हैं, आप उनके पास जाइए। वैकुंठवासियों के पास जाएं, चलो ठीक है, जाने के लिए तैयार होने लगे तो माता पार्वती रोकती हैं, बोले इनको तो केवल वैकुंठवासी ही पता है, हम और अंदर की बात बताते हैं। वैकुंठवासियों में से सबसे प्रिय है लक्ष्मी, वैकुंठ में तो बहुत लोग हैं लेकिन पत्नी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, आपको मालूम है लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रिय है। लक्ष्मी का एक सेवा है, भगवान के पैर हमेशा दबाती हैं, जो चरणों की वंदना ये भगवान शिव गंगा धारण करते हैं एक बार पैर धुलाए हैं, राइट, लेकिन वही पैरों को सतत दबाती हैं माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी सबसे प्रिय है, आप लक्ष्मी के पास जाइए। तो माता है ना, तो माता के प्रति ज़्यादा आ सकती है। पार्वती बोलती लक्ष्मी के पास जी, भगवान शिव बोलते हमारी बात काट दी, चलो हम भी नहले के ऊपर दहला मारेंगे। तो भगवान शिव फिर बोलते नारद तुमको गुमराह कर रही है, लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय कोई है, कौन है? बोले जब नरसिंह अवतार हुआ था, नरसिंह अवतार के समय पर लक्ष्मी जी को ही भेजा था देवताओं ने कि जाओ इनको ठंडा करो, तो यू टर्न लेके आई थी, बोले ये हमारे पति नहीं है। इतना भयंकर क्रोध, लक्ष्मी जी पास में आई, एक धाड़ मारी, लक्ष्मी जी दूर, किसने ठंडा किया था बताओ? प्रहलाद ने। तो प्रहलाद ज्यादा प्रिय है, अभी पार्वती क्या बोलेंगे, शास्त्र से तर्क दे दिया। तो नारद मुनि को बोल दिया प्रहलाद सबसे प्रिय, प्रहलाद के पास जाओ। नारद मुनि प्रहलाद के पास सुतल लोक में पहुंचे, प्रहलाद को बोलने लगे आप सबसे बड़े भक्त हैं, एक भक्त के लिए एक अवतार भगवान ने ले लिया और कितने प्रिय है। शास्त्र बताते हैं जब हिरण्यकश्यप पूछ रहा था ना कि इस पिलर में है ना कि इस पिलर में है, इस पिलर में है, आचार्य लोग बताते हैं नरसिंह देव जगह बदल रहे थे कि कौन से पिलर को फाइनल करेगा, वहां से निकलना है। जैसे हम लोग एक बार ड्रामा कर रहे थे पूना में, हम लोग थे बेस में, तो नरसिंह देव का ही ड्रामा था, नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले। तो नरसिंह देव छुपे थे एक पर्दे के पीछे, अब जैसे पर्दे दोनों साइड हैं, तो वो अभिनय करते करते वो हिरण्यकश्यप इधर चला गया, उसको आईडिया, वो भूल गया इस पिलर इधर से निकलना है, वो इधर चला गया। तो वो प्रहलाद को, जो प्रहलाद बना था भक्त, उसको पूछता है क्या तुम्हारे भगवान इसमें है, इस स्तंभ में है? वो बोलता है इसमें तो है उसमें भी है। तो हिरण्यकश्यप जो रोल कर रहा था उसका, अरे हाँ यहाँ तो यहाँ, फिर इधर आके तलवार माला, नरसिंह देव बाहर निकले। तो इतना प्रेम भगवान प्रहलाद से करते हैं, पिलर बदल बदल के रह रहे थे, इतना प्रेम करते हैं। नारद मुनि स्वयं का शिष्य है,
प्रहलाद नारद मुनि का शिष्य है, लेकिन नारद मुनि प्रशंसा में प्रशंसा करते जा रहे हैं। प्रहलाद दंडवत प्रणाम करके बोलता है, गुरु महाराज आप हमारा मत प्रशंसा कीजिए। हमने जो भक्ति की, बाल्यकाल की भक्ति भावुक भक्ति होती है, बाल्यकाल में सभी भावुक होते हैं, तो हमने भावुक होकर के भक्ति की। और देखिए, भक्त मतलब होता है सेवक। सेवक का काम है स्वामी का काम कम करना। मैंने काम बढ़ाया, मैं कष्ट में पड़ता था, भगवान को आके बचाना पड़ता था, तो मैंने तो काम बढ़ाया है, मैंने काम घटाया नहीं। वास्तविक भक्ति करिए हनुमान ने, उसने भगवान का काम कम किया है, उसने भगवान का सहायता की है, ये वास्तविक सेवक है। और इतने बड़े सेवक हैं कि आज तक सेवा कर रहे हैं। किम पुरुष वर्ष भूमंडल में आप जाइए, अभी तक भगवान की सेवा कर रहे हैं। नारद मुनि बोले, बात तो सही है, तथ्य तो सही बताया है। किम पुरुष वर्ष में नारद मुनि चले गए, वहां पर हनुमान जी भगवान राम के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, और इतने प्रेम से सेवा करते हैं जैसे मानो साक्षात भगवान राम वहां खड़े हो। विग्रह है लेकिन सेवा का भाव इतना शुद्ध है मानो साक्षात भगवान राम वहां पर खड़े हो। तो जा करके नारद मुनि उनकी फिर प्रशंसा करने लगे कि आप सबसे बड़े भक्त हैं, देखिए भगवान राम का आपने काम कितने सिद्ध किए, आपको भगवान ने इतने बड़ी जिम्मेदारी दी कि जाइए सीता की खोज कीजिए, आप स्वयं अकेले जाकर के सीता की खोज करके आ गए, और इतना ही नहीं भगवान राम आपको पीछे छोड़ के गए उनके नाम का प्रचार करने के लिए, तो आपसे बड़ा भक्त और कौन होगा, आपको भरत के समान भाई रूप में स्वीकार किया। हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी बोलते हैं, मैं भक्त श्रेष्ठ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अगर मुझे इतना प्रेम करते हैं, अयोध्या के एक एक वासी को जो धोबी ने माता सीता की आलोचना की थी उसको भी साथ में ले गए भगवत धाम, मुझे छोड़ गए, तो क्या प्रेम का लक्षण है? मुझे तो इतना प्रेम नहीं करते। लेकिन एक बात है, मुझे छोड़ गए, और दूसरे कोई भक्त ऐसे हैं जिनके लिए उन्होंने परिवार छोड़ा। एक बात है कि परिवार को साथ में ले गए, मुझे छोड़ गए, तो मेरा स्थान तो बहुत नीचे है। मुझसे श्रेष्ठ भक्त वो हैं जिनके लिए भगवान ने परिवार छोड़ा। बोले कैसे? बोले जिसकी एक पत्नी है वो कितना दिन घर से दूर रह सकता है? रह सकता है? जिसकी 16108 पत्नियां वो कितने दिन दूर रहेगा? कृष्ण द्वारका छोड़ के किसके साथ रहते थे? पांडवों के साथ। पांडवों के साथ वन में गए, पांडवों के साथ युद्ध में गए, और राजा बनने के बाद भी सब जमाने के लिए कितने महीनों महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। तो वास्तव में भक्त श्रेष्ठ हैं पांडव, हम भक्त श्रेष्ठ नहीं। अच्छा, पांडवों के पास नारद मुनि पहुंच गए, अभी पांडवों को गुणगान करने लगे, युधिष्ठिर आप इतने महान भक्त हैं, कृष्ण आपको अपना अग्रज मानते हैं, उनके पैर छूते हैं, दुनिया भगवान के पैरों के पीछे पड़ी है और भगवान युधिष्ठिर के पैर छूते हैं, युधिष्ठिर उनको आशीर्वाद देते हैं। कभी जाना होता है ना, परमिशन लेते हैं भगवान कि युधिष्ठिर मैं जाऊं, परमिशन लेते हैं, दादा मैं जाऊं, दादा बोलते हैं हाँ जाओ। और अर्जुन और भीम प्रिय है। भीम एक बार विचार करने लगे कि अर्जुन को भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे कम करते हैं। तो भीम ने सोचा, ऐसे क्या क्या गुण है अर्जुन के अंदर जो मैं अपने अंदर ले आऊं तो कृष्ण मुझसे ज्यादा प्रेम करेंगे। तो भीम ने सोचा कि अर्जुन गाता बजाता अच्छा है तो हम भी गाना बजाना सीखेंगे। अब सोचो ब्रकोधर, उसका शरीर जैसा, वो रियाज करेगा तो क्या होगा, वो तबला लेके बैठा, एक दिन किया वो तबला गया, अभी रियाज करने के लिए बैठा है, जो वो स्वर लगा रहा है पूरा महल कपकपा रहा है। सारे महल के लोग युधिष्ठिर महाराज को बोले, भैया इनका रियाज चलेगा तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। युधिष्ठिर ने चुपचाप गए भीम को बोला, भीम देखो ये महल में ना तुमको बहुत डिस्टर्बेंस होगा, कोई जाएगा आएगा, बोलने की भी एक टेक्निक होती है ना, बोले तुमको बहुत डिस्टर्बेंस होगा, एक काम करो तुम एकांत में जाके रियाज करो। कहाँ जाओ? बोले वो दूर चट्टान पे बैठ के वहाँ रियाज करो, वहाँ तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो भीम सुबह सुबह चले गए, वहाँ रियाज कर रहे हैं, तो दिन भर कोई आया नहीं, शाम के समय एक व्यक्ति आया, घूर घूर के देख रहा है। भीम उनको पूछता है, आप कैसे आए, मेरी आवाज़ सुन के आए? बोले हाँ। बोले मेरी आवाज़ सुन के आए आप, इतना मंत्रमुग्ध हो गए यहाँ पर आ गए?
बोले साहब आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, मेरा गधा खो गया था मेरे गधे को ढूंढता ढूंढता मैं इधर आ गया। तो भीम को बहुत दुख हुआ, कह रहे मेरी आवाज गधे जैसी है क्या। तो महल में चला गया, बस दरवाजा बंद कर लिया, बोले अब और रियाज नहीं करूंगा। 5 मिनट बाद ही दरवाजे पे दस्तक हुई। भीम बोला मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। बोले भीम मैं द्वारकाधीश, जैसे ही सुना वैसे ही पट खोल दिया। बोलता है तुम जैसा भी गाओगे, कोई सुने ना सुने, मैं तुम्हारा भजन सुनूंगा, मैं तुमको इतना प्रेम करता हूँ। तो भीम से कितना प्रेम है, अर्जुन का तो आपको पता ही है, सखा है। जब कृष्ण और अर्जुन सोते थे तो कई बार ऐसे सोते थे कि कृष्ण का पैर अर्जुन की छाती पर और अर्जुन का पैर कृष्ण की छाती पर। ऐसे गुरुकुल में आप लोग सोते हैं क्या? नहीं ना, आप लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। कृष्ण अर्जुन बहुत ही घनिष्ठ भक्त थे, तो उस प्रकार से उनकी घनिष्ठता है। और नकुल सहदेव जब राजसु यज्ञ में यह निर्णय करना था कि अग्रज पूजा कौन की होगी, तो इन्हीं ने तो बोला था कि कृष्ण की अग्रज पूजा। पूरी महाभारत में ज्यादा बोले नहीं, काम की जगह पर बोले कि नहीं कृष्ण की अग्रज पूजा होना चाहिए। कितना प्रेम करते हैं। और द्रौपदी, द्रौपदी को तो कृष्ण ने अपनी बहन माना है। वह कृष्ण द्रौपदी की एक चित्कार पे भाग करके द्वारका से आ गए उनकी प्राण, उनकी लज्जा की रक्षा करने के। तो कितना प्रेम पांडवों को करते हैं। नारद मुनि इस तरह बोलने लगे उसी समय पांडवों ने रोका, नहीं रुकी, हम लोगों से कृष्ण इतना प्रेम नहीं करते हैं। क्यों? प्रमाण क्या है? बोले दुख में मदद तो हम गरीबों की भी कर देते हैं। दुख में मदद किसकी नहीं करते हैं? दुख में मदद तो हम किसी की भी कर देते हैं, शत्रु की भी मदद दुख में कर देते हैं। लेकिन जैसे हमारा सुख आया, देखो भगवान हमको छोड़ के चले गए। वास्तविक प्रेम भगवान द्वारकावासियों से करते हैं। द्वारकावासी ऐसे हैं जिनसे भगवान सर्वश्रेष्ठ प्रेम करते हैं, जिनके सुख दुख में, ऐश्वर्य में, संपद में, विपद में हमेशा भगवान उनके साथ रहते हैं। तो आप द्वारकावासियों के पास जाइए, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। मैं बाद में पूछूंगा क्रम, हाँ आपको याद है क्या पूरा क्रम, बाद में पूछूंगा। तो द्वारकावासियों के पास जाइए। और युधिष्ठिर बोलते हैं आप उनके पास जा करके देखिए, भगवान देवताओं से लड़ करके सुधर्म सभागृह को लाए, इंद्र से युद्ध करके पारिजात लाए, द्वारका का वैभव देखिए, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ प्रेम करते हैं द्वारकावासियों से। नारद मुनि द्वारका पहुंच गए। द्वारका जब पहुंचे सुधर्म सभा में, उग्रसेन राजा बैठे हुए हैं और सारे मंत्री इत्यादि सब बैठे हुए हैं, वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण रोज आते थे, 16,108 रानियों के महल में एक एक कृष्ण रहते थे, और जब सुधर्म सभा में आते थे तो 16,108 एक कृष्ण बन जाते थे, और फिर सभा में आकर के सभा शुरू होती थी। तो उस प्रकार से जब आए, सभी लोग खड़े होकर के नारद मुनि का सम्मान करते हैं, और नारद मुनि को पूछते हैं आप जैसे संत आए हैं, आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। नारद मुनि शुरू करते हैं, देखो मैं इतना घूम घाम के आया हूँ, पूरा स्टोरी बताते हैं, फिर बोलते हैं अभी कंक्लूजन ये निकला है कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो सभी लोग एक स्वर में बोलते हैं हम लोग तो क्या भक्ति करते हैं, उद्धव सबसे बड़ा भक्त है। द्वारका में सबसे बड़ा भक्त भगवान का कौन है? उद्धव। प्रद्युम्न जो भगवान का स्वयं का पुत्र है, उसको भी इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना उद्धव को करते हैं। पत्नियों को भी मन की बात नहीं बताते हैं जो उद्धव को बताते हैं। और उद्धव से कितना प्रेम है, उद्धव का पूरा शरीर की कांति कृष्ण जैसी हो गई है, और उद्धव केवल कृष्ण के उतरे हुए कपड़े पहनते हैं पुराने, तो कृष्ण जैसे ही दिखने लगे हैं। इतना प्रेम दोनों के बीच में है, घनिष्ठतम उद्धव है। कभी जब हस्तिनापुर जाना होता है तो हमको तो टाटा बाय बाय बोल के चले जाते हैं, लेकिन उद्धव को साथ में लेके जाते हैं, उद्धव को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो उद्धव के पास जाइए, उद्धव सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अब नारद मुनि उद्धव के महल में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर जाते हैं तो एक स्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं? उद्धव देवकी, वसुदेव, बलराम की माता रोहिणी और कंस की माता पद्मावती, कंस की माता को भी भगवान लेके आए थे पद्मावती, ये सब लोग बैठे हुए हैं और बड़े ही गंभीर स्थिति में है। नारद मुनि जाकर के बोलना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं,
लेकिन देखते हैं सब बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी है? आपस में बातचीत कर रहे हैं, नारद मुनि सुन रहे हैं। तो उद्धव बोलते हैं कृष्ण की हालत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो रात भर रोता रहता है। क्या बात है, क्या कमी है द्वारका के ऐश्वर्य में? क्या कमी है हमारी सेवा में? क्या कमी है हमारे समर्पण में? क्या कमी है जो कृष्ण रोते रहते हैं? कोई व्यक्ति का रोना मतलब उसका हृदय पूर्ण रूप से द्रवित हो गया है, कातर हो गया है। तो ऐसी स्थिति कृष्ण की कैसे हुई? सत्यभामा बोलती हैं कि रोते हैं, रोते रोते किस किस का नाम लेते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। कभी बोलते हैं चंद्रावली, कभी बोलते हैं राधा, कभी बोलते हैं ललिता, कभी बोलते हैं विशाखा, कभी बोलते हैं यशोदा, कभी बोलते हैं नंद। कौन कौन है ये? तो रोहिणी बताती हैं कि ये कृष्ण के ब्रजवासी हैं। नंद और यशोदा वो माता पिता हैं जिन्होंने कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया है। मैं उनका नाम सुन के ही द्रवित हो गई। रोहिणी वृंदावन में रहती थी जब कृष्ण और बलराम वहां पर थे। बोले जब वसुदेव मुझे लेने के लिए आए, जब कंस का वध हो चुका था, वसुदेव लेने के लिए आए, तो मैं आज भी भूल नहीं पाती हूँ यशोदा और नंद की जो चीख, जो रुदन, जो अश्रु वो बहा रहे थे कृष्ण के लिए, मैं आज भी भूल नहीं पाती हूँ। तो ऐसी परिस्थिति ब्रजवासियों की थी। आप उनका नाम ले रहे हैं, मेरे को दुख हो रहा है। इतना प्रेम ब्रजवासी कृष्ण से करते थे और इसीलिए कृष्ण उनके लिए रात भर रोते हैं। रुक्मिणी बोलती हैं कि मैं तो कितनी बार प्रयास की, मैं उनसे पूछना भी चाहती हूँ, दिन भर गुमसुम रहते हैं। देव की बोल पड़ी कि आपको पता है, आप लोगों ने तो बोला था कृष्ण बहुत नटखट हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नटखट करते नहीं, कोई मस्ती करते नहीं। और रोहिणी तुमने बोला था कि कृष्ण को दूध के बने हुए पकवान बड़े पसंद हैं, हम सब ये जानते हैं, लेकिन मैंने दूसरे दिन उनके थाली में कुछ संदेश इत्यादि दूध के पदार्थ रखे तो कृष्ण थाली छोड़ करके अपने कक्ष में चले गए। मैं पीछे पीछे गई, मैंने पूछा क्या हुआ, तो कृष्ण वहाँ पर रो रहे थे। बोले माता मेरी थाली में कभी दूध का सामान नहीं रखना, क्योंकि दूध दे के मुझे मेरी गाय याद आ जाती है, मुझे वृंदावन याद आ जाता है। तो इतना प्रेम वृंदावन से करते हैं। नारद ये सब कुछ सुन रहे हैं। इसी बीच में कृष्ण अंदर से हा हा करते हुए रोते हुए बाहर आए। कृष्ण की परिस्थिति बेकार है, कि आंखें सूजी हुई हैं, पूरे शरीर में आंसुओं से भीग गए हैं। कृष्ण बोलते हैं मेरी माता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है? देवकी वसुदेव बोलते हैं हम यहाँ खड़े हैं। नहीं, नंद और यशोदा कहाँ है, मुझे उनके पास जाना है। मेरी माता मुझसे कितनी प्रेम करती हैं, मैं कभी वन से देर हो जाती आने में तो माता बाहर चौकट पे बैठी रहती थी, वो अंदर नहीं जाती। मेरे पिता कोई काम से बाहर जाते तो जानबूझ के अपने खड़ाऊ छोड़ के चले जाते थे, बाहर से आवाज़ लगाते कहा ना मेरे खड़ाऊ लेके आओ, तो मैं खड़ाऊ लेकर के जाता, तब खड़ाऊ पहनते थे। और मुझे विश्वास है जब से मैं वृंदावन से बाहर आया हूँ कृष्ण ने खड़ाऊ नहीं पहने होंगे। इतना प्रेम, नंद बाबा ने खड़ाऊ नहीं पहने होंगे, इतना प्रेम मुझसे करते हैं। तो कृष्ण इस प्रकार से रुदन चित्कार कर रहे थे, इतने में कंस की माता पद्मावती बोली। पद्मावती बोली कि कृष्ण वास्तव में तुम्हारे माता पिता ने तुमको केवल पाला था, और देखो तुमसे कितने कठोर काम करवाए, नंगे पैर तुमको वनों में भेजा, तुमसे गाय चरवाई, और बेचारे तुमने थोड़ा सा वाकन खा लिया तो तुमको उखल से बांध दिया, कितना कष्ट तुमको दिया, मुझे लगता है उनको ठीक से पेमेंट नहीं मिली थी। तो मैं गर्ग मुनि को बोलूँगी कि अच्छे से हिसाब कर दें, और हिसाब करके उनके घर पर प्रचुर मात्रा में धन पहुँचा देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। वो शायद इसलिए रोते हैं तुम्हारे विरह में क्योंकि उनको पेमेंट नहीं पहुँची है, तो हम उनके घर में पैसा भिजवा देंगे। उद्धव पद्मावती को बोलते हैं आप चुप हो जाइए, मैं गया था वृंदावन, मुझे कृष्ण ने भेजा था संदेश लेकर के, और जब मैंने नंद बाबा को बोला कि आप क्यों रो रहे हैं, आपके पुत्र तो साक्षात पर ब्रह्म है, हर वस्तु में विद्यमान है, तो नंद बाबा हंसते हंसते मुझे मूर्ख बोल दिए। क्यों मूर्ख बोल दिए? नंद बाबा बोलते हैं कि उद्धव हमको तो पता था तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुमको तो किसी को सहानुभूति देना भी नहीं आता। मानो किसी का बटुआ गिर गया हो, उसको याद था कि उसमें 100 रुपये थे, आप जाके बोलो नहीं नहीं तुमको याद है कल हमने तुमको 10,000 रुपये दिए थे, वो भी तो तुम्हारे बटुए में थे,
तो उसका दुख कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो हम तो सोचते थे हमारा बालक है, अब तुम बोल रहे हो पर ब्रह्म था, तो हमको तो और दुख होगा कि पर ब्रह्म हमारे बालक के रूप में था, वो चला गया। तो तुम सहानुभूति दे रहे हो कि हमारा दुख बढ़ा रहे हो? तो वो ब्रजवासियों को तुम धन पहुंचाना चाहती हो, वो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहते। कृष्ण चित्कार करके रोते जा रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। इतने में ब्रह्मा जी सोचते हैं हमको कुछ करना चाहिए। विश्वकर्मा को बोलते हैं काम करो, वृंदावन का एक रेप्लिका बना दो, वृंदावन का एक नव वृंदावन बना दो, जैसा वृंदावन दिखता था सेम टू सेम हूबहू कॉपी बना दो, द्वारका के उस तट पर, समुद्र के उस तट पर नव वृंदावन। ठीक है, तुरंत विश्वकर्मा ने तैयार कर दिया। कृष्ण वहां बेहोश होकर के गिर गए। उसी समय गरुड़ आए, कृष्ण और बलराम को उठा करके उस नव वृंदावन में ले गए। और वहां सबकी प्रतिमा थी, नंद बाबा की प्रतिमा, गोप बालकों की प्रतिमा, यशोदा की प्रतिमा, सबकी प्रतिमाएं थी। अब कृष्ण जैसे ही जागृत हुए, सामने देखा नंद बाबा है, भाग करके गए, बाबा 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 मैं बहुत दिन दूर था, आज आपको दर्शन पा रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वन में था, मुझे भूख भी लग रही है, माता कहाँ है, मम्मा कहाँ है? अब मूर्ति थोड़ी बोलेगी। कृष्ण बोलते, अच्छा मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज हैं, मैं देर से आया ना इसलिए नाराज हूँ। फिर यशोदा के पास जाकर के, यशोदा की मूर्ति के पास, मैया मैया मुझे बहुत भूख लगी है, और आपको बताऊं मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? मैं एक बड़े से शहर का राजा बन गया, वहां पर सब लोग मेरा सम्मान करते हैं, सब लोग मुझे राजा बोलते हैं, मेरी बांसुरी भी छुड़ा ली, मुझे बहुत राशि वेश पहना दिया, मुझे मुकुट लगा दिया, और मैं बड़े बड़े रथों पे, और मैंने गीता का प्रवचन किया, यह सब भगवान बता रहे, मैंने स्वप्न देखा। और यशोदा की मूर्ति तो बोल नहीं रही है। कृष्ण बोलते हैं, आप मुझसे नाराज है, मैं जानता हूं, मैं अभी अच्छा बच्चा बन के रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आप जब बोलेंगे तब खाऊंगा, आप जब बोलोगे तब खेल बंद कर दूंगा। तो उस प्रकार से यशोदा के इर्द गिर्द मनाने लगे। फिर थोड़ी दूर पर देखा एक प्रतिमा की तरफ कृष्ण आकर्षित होकर के चले गए, और जैसे ही उनको देखा मूर्छित हो गए। फिर चेतना आई, फिर उठे, फिर देख करके फिर मूर्छित हो गए, फिर उठे, कभी उस प्रतिमा की साड़ी खींचते हैं, कभी उस प्रतिमा की परिक्रमा लगाते हैं, कभी उस प्रतिमा को आलिंगन करते हैं, कभी उनके पैर दबाते हैं। वो प्रतिमा कौन है? श्रीमती राधा रानी। कृष्ण बोलते हैं, तुम मेरी स्वामिनी हो, मैं तुम्हारा दास हूं, मुझसे नाराज, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। यह दृश्य देख करके ये सारे द्वारकावासी, नारद मुनि इत्यादि सब आश्चर्यचकित हो गए। नारद को उसका उत्तर मिल गया, भक्त श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। वृंदावन के वासी भगवान उनका चिंतन करते हैं, बाकी भक्त तो भगवान का चिंतन करते हैं, वृंदावन के वासी इतना भगवान को प्रगाढ़ प्रेम है, भगवान उनका चिंतन करके रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ नंद और यशोदा, और उसके ऊपर गोपियां, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। जब फिर बलराम के पास कृष्ण आए, बोले राधा रानी मुझसे बात नहीं कर रही, नंद बाबा यशोदा किसी से, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। तब बलराम कृष्ण का हाथ पकड़ के बोलते हैं, कृष्ण अभी बहुत हो गया, अभी अपनी समाधि से बाहर निकलो, हम द्वारका में हैं, हमको बहुत सारे दानवों का वध करना है, ये पृथ्वी को पाप से मुक्त करना है, बाहर निकलो, तब जाके दूसरे समुद्र की तरफ देखो, वो द्वारका है, वहाँ हमको वापस जाना है। तब कृष्ण की समाधि टूटती है और नारद मुनि आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं, कृष्ण मैं तो भक्तों को ढूंढ रहा था, लेकिन आपके माध्यम से मुझे पता पड़ा सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। कृष्ण नारद मुनि को आशीर्वाद देते हैं, और इस ग्रंथ के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि किस प्रकार ब्रजमंडल की गोपियाँ जो बाह्य रूप से निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, कोई यज्ञ इत्यादि नहीं जानती, लेकिन उनका भाव कृष्ण के प्रति इतना शुद्ध है कि कृष्ण को विजय कर लिया है। पूरे संसार काम वासनाओं में बंधित है, इसलिए इस जगत को मैथुन आगार बोलते हैं, लेकिन वही मैथुन का देवता कामदेव मदन कृष्ण से आकर्षित हो जाता है, इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। लेकिन वह मदन मोहन भी किसी से आकर्षित हो जाते हैं, वह है श्रीमती राधा रानी, इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति श्रीमती राधा रानी ने हमको सिखाई, और वही राधा रानी कलयुग में
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते। राधा भाव स्वबलितम नौमी कृष्ण, कृष्ण का भाव, कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के कलयुग में आते हैं, और राधा रानी के भाव लेकर के आकर के गोलोक का जो धन है, गोलोक का जो खजाना है, जो गोलोक वृंदावन में धूल भी चिंतामणि है, चिंतामणि मतलब आप सोचिए आपके सामने वस्तु प्रकट कर देगी, वह धूल झाड़ू में निकालते हैं गोलोक वृंदावन में, ऐसे गोलोक वृंदावन का धन लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए, जो राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ उपहार है। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र में वो ब्रजवासियों का विरह है। हरे मतलब विरह में जब राधा रानी और कृष्ण को हम पुकारते हैं हरे कृष्ण, ये विरह में पुकार है राधा कृष्ण के। तो जो ब्रजमंडल का विरह भाव है, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, वह हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने हमको दे दिया। तो इस महामंत्र को, इस कृष्ण भक्ति को हमको बहुत गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। हम कहाँ सांसारिक वस्तुओं, कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ खजाना कृष्ण भक्ति का चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमको प्राप्त हुई, तो उसका पूर्ण लाभ हमको उठाना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। बृहद भागवतामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ये अभ्यास करना चाहिए। ये एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन हमको अपने जीवन में उन्हीं बुराइयों को ढूंढना चाहिए। जैसे जब प्रभुपाद शुरू में प्रवचन करते थे न्यूयॉर्क में, बोलते मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी, तो भक्तों को लगता था कि भारत में कोई मायावादी नाम का व्यक्ति है जिसने प्रभुपाद को बहुत परेशान किया है, इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी। बाद में पता पड़ा, अरे हम ही तो मायावादी हैं, हम ही कृष्ण से दूर भाग रहे हैं। तो ये जब शास्त्रों की बातों को सुनते हैं, स्वयं को ढूंढना चाहिए, हमारी गलतियां हैं, और धीरे धीरे श्रवण के माध्यम से हम विनम्र होते हैं। देखिए, पहले हम जब कृष्ण भक्ति से नहीं जुड़े थे, किसी को कोई अपशब्द बोल देते थे, लड़ाई होती थी, तो हमको क्या लगता था? थोड़ा कम बोला, और बोल के आना था, लगता था ना, थोड़ा कम डांट के, थोड़ा और दो चार मार के आना चाहिए था। अभी कैसा लगता है? बुरा लगता है। ये शोधन होना शुरू हो गया, अभी हमको अपनी गलतियां दिखना शुरू हो गई। जितना विनम्र होंगे, जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अपनी गलतियां दिखेंगे, अपने अनर्थ दिखेंगे, वो तब कृष्ण का आश्रय असहाय अवस्था में भक्त करता है। जब तक हमको ये लगता है कि हम सामर्थ्य पूर्ण है, हमारे अंदर कोई गलती ही नहीं, हमको कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई मदद ही नहीं चाहिए, क्या कृष्ण को भावुकता के साथ, प्रेम के साथ पुकार सकते हैं? इसलिए कुंती महारानी बोलती जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर, चार चीज है, बहुत बड़ा जन्म, बहुत बड़े परिवार में जन्म मिल गया, बहुत सुंदरता है, बहुत विद्वत्ता है, बहुत धन है, कृष्ण को नहीं पुकार पाएंगे। लेकिन जितना अपने आप को अधम मानेंगे, कृष्ण को पुकार पाएंगे। तो इसलिए जो हमारी साधन भक्ति है, उससे हृदय शुद्ध होता है, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त शुद्ध होता है। साधन भक्ति अच्छे से जब करेंगे, धीरे धीरे विनम्र हो जाएंगे। हरे कृष्ण। और कोई? अमृतसर वालों को वैसे ज्यादा प्रश्न होते नहीं है। जैसे प्रभु जी आपने कहा कि आजकल सब स्टेटस लगा लेते हैं, तो प्रभु जी जो अपनी भक्ति को दिखाता नहीं, उसको तो सब यही समझते हैं कि ना इनके पास लोग हैं, ना इनका भक्ति का लेवल है, तो आजकल सिर्फ सारी दुनिया इसी चीज के पीछे भागती है। तो जिसके देखिए, प्रचार के लिए अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो बात अलग है। जैसे शिला प्रभुपाद कई राजनेताओं को पत्र लिखे थे, उसमें से राजेंद्र प्रसाद ने प्रभुपाद की गीता स्वीकार की, तो वो फोटो प्रभुपाद ने रखा था, वो प्रचार के लिए ठीक है। लेकिन जब हमारा भाव दूसरों से सम्मान की अपेक्षा का हो जाता है, तो ये फिर भक्ति के लिए बाधा है। दूसरों से हमको क्या सर्टिफिकेट चाहिए? मान लो पूरी दुनिया बोलती है कि हम शुद्ध भक्त हैं,
लेकिन कृष्ण जानते हैं हम एक नंबर के बेवकूफ हैं, तो क्या होगा? लेकिन पूरी दुनिया बोलती है कि एक नंबर का बेकार आदमी है, लेकिन कृष्ण जानते हैं मेरे शुद्ध भक्त हैं, क्या अच्छा है? तो हमको सर्टिफिकेट चाहिए कृष्ण से, हमको दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, अपन भजन कथा ना कही वजह था तथा, इधर उधर अपने भजन के बारे में नहीं बताना चाहिए, साधना के बारे में नहीं बताना चाहिए, ये कृष्ण और आपके बीच की बात है। हाँ, प्रचार के लिए कभी इस तरह उपयोग में लेना है वो बात अलग है, लेकिन स्वयं की भक्ति कृष्ण गुरु और आप, इनके बीच में ही रहना चाहिए। ज़्यादा प्रदर्शन करने से भक्ति की शक्ति चली जाती है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन वस्तुएं हैं। प्रथम है अहंकार। अहंकार, प्रभुपाद सरल उदाहरण देते थे कि हम अपने आप को शरीर मान लिए हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि कार, कार में बैठा हुआ ड्राइवर, क्या ड्राइवर कार है? नहीं, ड्राइवर कार से अलग है। लेकिन जब ड्राइवर की आसक्ति कार में इतनी हो जाती, अहंकार, मैं कार हूं, यह अहंकार है, मैं कार ही हूं। आप यहां बैठे हैं, आपकी गाड़ी को कोई ठोक के चला जाएगा, आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कोई दिल में स्क्रैच मार के चला गया, आपको कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी को हुआ है। लेकिन ये आसक्ति, अहंकार मतलब क्या है? हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, हम अपने आप को भौतिक पदार्थ मान बैठे हैं, हम कृष्ण से अपने आप को अलग मान बैठे हैं, ये अहंकार। और उस अहंकार के चलते फिर हम प्लान बनाते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं शरीर हूं, तब शरीर की भौतिक इंद्रिय तृप्ति कैसे हो? मैं शरीर हूं तो शरीर को मुझे सुख देना है, तो सुख देने के लिए मैं प्लान बनाता हूं। वो प्लानिंग का काम है बुद्धि का कि मैं कैसे प्लान बनाऊंगा। अब प्लान बन गया, एक्सिक्यूट कौन करेगा? मन। मन निर्देश देता है इंद्रियों को, इधर जाओ, चाट पकौड़ी खानी है, गाड़ी चलाओ, तो पैर गाड़ी चलाते हैं, हाथ रेस देते हैं, आंखें रास्ता देखती है। ये सब कौन कराता है? मन कराता है। बुद्धि, बुद्धि प्रेरणा देती है कि आपको कहाँ जाना है? चाट पकौड़े के पास जाना है। और अहंकार बोलता है कि ये चाट पकौड़े किसको तृप्त करेगी? आपको तृप्त करेगी। लेकिन वो चाट पकौड़े शरीर को तृप्त करे, शरीर तो मरा हुआ है, क्या तृप्त करेगी? आत्मा की तृप्ति होती है भगवान के भजन में। तो इस प्रकार ये तीनों में पार्थक्यता है। शुरुआत होती है अहंकार से, फिर बुद्धि, फिर मन। ठीक है, वैष्णव तिलक बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के वैष्णव तिलक होते हैं। और जब राधा रानी वास्तव में कृष्ण के पास जाती हैं, तो उस तरह श्रृंगार करती हैं जो कृष्ण को सुख दे। तो जैसे एक तरुणी युवती तैयार होती है, राधा रानी उस तरह तैयार होती हैं। लेकिन वही राधा रानी जब भक्त रूप में आती हैं तो तिलक लगाती हैं चैतन्य महाप्रभु, वही जब भक्त रूप में आएंगी तो तिलक लगाएंगी। लेकिन जब कृष्ण के साथ उनकी प्रेम रासलीला की बात है, तो वो एक तरुणी के रूप से तैयार होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं राधा रानी को साड़ी पहना दी, साड़ी राधा रानी नहीं पहनती है, राधा रानी की ड्रेस अलग है। एक तरुणी, छोटी बच्ची कैसे साड़ी पहनती है? क्या नहीं पहनती, उनका भाव अलग है। पहनाने के लिए पहना सकते हैं, द्वारका की रानियां साड़ी पहनती थी, राधा रानी नहीं पहनती थी। एक तरुणी, एक युवती, जिस तरह हम कई बार बोलते हैं राधा रानी हमारी माता है, भाव ठीक है, राधा रानी योग माया के रूप से हमारी माता है। लेकिन वृंदावन में कोई राधा रानी को अपनी माता नहीं बोलता है, राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, वो ईश्वरी है, वृंदावन की रानी है, वो कृष्ण की, कृष्ण भी उनके अधीनस्थ है। तो उस प्रकार से लीला के लिए उस तरह उनका श्रृंगार है। लेकिन जब वही राधा रानी भक्त रूप में आती है, वैष्णव तिलक लगा के आती है। ठीक है, नहीं, ब्रह्मभूत स्टेज है ब्राह्मण का स्तर। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जब कोई यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं, वो आत्मा है,
जब ये समझ जाता है कि नहीं वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है, वह स्तर होता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचति न कांक्षति, न उनको किसी बात की चिंता न किसी बात का दुख, वह भौतिक संसार से अपना रिश्ता छोड़ देते हैं। लेकिन भक्त इससे ऊपर चले गए, वो ब्रह्मभूत से ऊपर। अब ब्रह्मभूत तो हैं हम, आत्मा तो हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हम कृष्ण के सेवक हैं। तो कृष्ण की सेवा से जब युक्त होगा फिर भक्त स्तर में आएगा। उसमें भी पांच स्तर हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर। तो उस प्रकार फिर भक्त का स्तर ब्रह्मभूत से ऊपर है। ठीक है, शांत रस मतलब जहां सक्रिय रूप से सेवा नहीं होती, जैसे वृंदावन के पत्थर, सक्रिय कोई सेवा नहीं है लेकिन लीला में पत्थरों के प्रयोजन तो है। जैसे वृंदावन के पेड़, सक्रिय कोई लीला में भाग नहीं है, हो सकता है भगवान एक आध दिन उनके नीचे चले जाएं और वो छाएं दें, थोड़ा नृत्य करें, थोड़े पुष्प वर्षा करें, इतना ही काम है। तो ये शांत रस की सेवा है। लेकिन जब वो वही सेवा दास्य में चली जाती है तो फिर उसमें सक्रिय सेवा हो जाती है, सक्रिय सेवा। जैसे कृष्ण की 12 बांसुरी हैं, 12 बांसुरी पकड़ने के लिए 12 सेवक हैं, पीछे पीछे चलते हैं दास्य। तो उस प्रकार से अलग अलग रस है। शांत मतलब जहाँ सक्रिय सेवा नहीं है। हमारे स्तर पे हम समझ सकते हैं शांत रस क्या होता है, जो प्रोग्राम में आता है, बैठता है, खाता है, चला जाता है, शांत रस। दास्य रस कौन सा है, थोड़ा प्रोग्राम में आएगा, थोड़ा दो चार लोगों को सेवा करेगा, शांत दास्य में आ गया। तो सक्रिय निष्क्रिय ये अंतर। ठीक है, यस। कई बार दिन अच्छे होते हैं, कई बार बुरे होते हैं, कई बार आदमी दुख की स्टेज में होता है, कई बार सुख की स्टेज में होता है। तो क्या हमारी पहले तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, और क्या ये जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ में, क्या हमारी प्रार्थना डिफरेंट होनी चाहिए कि नहीं? एक बार एक राजा था, वो राजा मंत्री को बुलाता है, बोलता है तुम्हारे जीवन का अनुभव बताओ। तो वो बोलता है कि मेरा एक ही अनुभव है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो राजा ने उसको चुनौती दी, बोले आज सुबह तलवारबाजी करते हुए मेरी उंगली में कट लग गया, इसके बारे में क्या बोलोगे? बोलता ये भी भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। तो राजा बड़ा नाराज हो गया, मेरी उंगली में कट लग गया, तुम बोले अच्छा किया। तो मंत्री को जेल में डाल दिया। अभी उस दिन राजा शिकार के लिए गया, कुछ आदिवासी ने उसको पकड़ लिया, हु हा हुआ करते हुए उसकी बलि देने के लिए जा रहे थे। अब बलि देने के लिए जब जा रहे थे, उसके पूरे शरीर को नहलाया, तैयार किया, माला वगैरह जिसे आपने पहनाई है बलि देने के पहले, तो इस तरह माला पहनाई। जब मारने वाले थे तब देखा उसकी उंगली में कट लगा है, तो बोले नहीं बलि तो इसकी नहीं दे सकते, खंडित है, इसको नहीं दे सकते, तो बोले इसको छोड़ दो। तब उसको समझ में आया, देखो आज मेरी उंगली नहीं कटती थी तो गर्दन कटती थी, तो भगवान ने जो किया अच्छा किया। तो कई बार जब हम भगवान के पास आते हैं, हमको लगता है हम ये प्रार्थना करें, भगवान ये संकट में मैं हूँ, इससे मुझे निकाल दीजिए। हो सकता है वो संकट में आपको रखा इसलिए है कि कुछ बड़े संकट से आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए भगवान के पास जाके एक ही प्रार्थना करना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहित की तुई, अई नंद तनुजा किं करम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत। हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, लेकिन अपने कर्मों के कारण मैं भवसागर में गिर गया, अब मुझे बस आपकी शरण में ले लीजिए, आपके चरणों की धूल बना लीजिए। मैं धूल समान हूँ, धूल क्या कोई काम की होती है? धूल दिक्कत ही देती है, तो मैं आपको दिक्कत दूंगा, मैं भगवतधाम जाके भी आपको दिक्कत दूंगा, लेकिन मैं जैसा भी हूँ आपका, आपका आपने मुझे बनाया है, मैं आपका दास हूँ, मुझे आपकी शरण में रखिए, यही प्रार्थना करना चाहिए। भौतिक वस्तु भगवान से नहीं मांगना चाहिए, वो तो दे ही देंगे। क्या बच्चे कभी माता पिता के पास आके बोलते हैं कि आपने इस महीने तो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा, अभी मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल में क्या आप मेरे को खाना देंगे, क्या फीस भरेंगे, कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। बच्चों का माता पिता पे जितना विश्वास है हमारा, उससे भगवान पे कम है, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान को मांगना है तो हेतु की भक्ति, बस कि मैं आपको कभी भूलूँ ना, मैं आपका भक्त रहूँ, बाकी सब भगवान देखेंगे। सुख दे के कभी अच्छा करेंगे, कभी दुख दे के अच्छा करेंगे, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान से मांगना है तो शुद्ध भक्ति।
ठीक है। हरे कृष्ण। वो चीज़ें जो होती हैं भौतिक संसार में जिनके हम सब मोस्टली शिकार होते हैं, हम लोग तो होते ही हैं, अपने बारे में बात करें, एक हमारे पे क्रोध और दूसरा द्वेष, किसी न किसी स्टेज में किसी में कम डिग्री में होता है, किसी में ज़्यादा डिग्री में होता है, तो ये क्यों होते हैं और इस पे कैसे कंट्रोल करना? ये राग और द्वेष जो हैं, क्रोध और द्वेष जो हैं, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। गीता में भगवान बताते हैं कामेश क्रोधेश, रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। और रजोगुण तमोगुण ये भौतिक आसक्तियों के लक्षण हैं। इनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब अपनी साधना भक्ति करते हैं धीरे धीरे हम रजोगुण तमोगुण से मुक्त होते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, भगवान की सेवा करना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, भगवत नाम का जप करना, शास्त्र अध्ययन करना। एक हमारी कमजोरी है, हम शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं। शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, कम से कम गृहस्थ लोगों को 2 घंटा टाइम निकालना चाहिए। ये सब ये पॉसिबल है, 1 से 2 घंटा समय निकाल के शास्त्र पढ़ना चाहिए। हम आलसी हैं, और व्हाट्सएप देखने के लिए हमारे पास टाइम होता है, 11 बजे रात में आने के बाद भी उंगली ऐसे ऐसे चलती है, कैसे टाइम निकलता है मालूम नहीं। शास्त्र पढ़ना चाहिए और साधुओं की सेवा करना चाहिए। जब इस तरह क्रिया करेंगे हम सतोगुण में आ जाएंगे। सतोगुण का फल क्या है? ये जितने भी 6 रिपु हैं, 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, ये सतोगुण में विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर भगवान की भक्ति हम अच्छे से कर सकते हैं। सतोगुण भी शुद्ध नहीं है, लेकिन सतोगुण में आने से कम ये 6 रिपु से हम मुक्त होते हैं, भक्ति करने में आसानी होती है। मानो आप किसी को डांट के आ गए, चिल्ला के आ गए, क्रोध करके आ गए, फिर हरिनाम करने बैठे, आपका मन लगेगा? किसी से लड़ाई हो गई, वही मन में चलता रहेगा। किसी की लोग किसी का पैसा चोरी करके घर में ले आए, क्या जप करने मन लगेगा? तो जो 6 रिपु हैं वो 6 रिपु हमको भक्ति नहीं करने देंगे। इसलिए सतोगुण का ये प्रभाव होता है कि 6 रिपु धीरे धीरे कम होते हैं। इसलिए साधना भक्ति जो गुरु ने बताई है, 16 माला का जप, भागवत पाठ, भक्तों की सेवा, विग्रहों की सेवा, भक्तों का संग, ग्रस्त लोगों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो मठों में आश्रम में रह रहे हैं उनको तो करना ही है, उनका तो और कोई ड्यूटी नहीं, लेकिन हमारा ये टाइम निकाल के हमको करना पड़ेगा। जो आश्रम में रह रहा है उसको तो वैसे ही लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ना अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसके ऊपर क्रोधित होंगे? थोड़ा बहुत जैसे बछड़े आपस में लड़ते हैं ना, ऐसे आश्रमवासी कभी कभी लड़ते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए, ऐसा उनका कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ग्रस्त लोग रहते हैं भौतिकवादी लोगों के साथ, हमारा मिलना जुलना बैठना उठना किसके साथ होता है? बाहर के लोगों के साथ। तो हमको ज़्यादा साधना की आवश्यकता है, हमको ज़्यादा कवच की आवश्यकता है। इसलिए साधन भक्ति के माध्यम से सतोगुण में आना चाहिए, और सतोगुण में 6 रिपुओं से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अभी यहीं पर समाप्त करते हैं और एक भजन गाएंगे। ये भजन नहीं है, प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से, जहाँ गोपियाँ भगवान कृष्ण को स्मरण करती हैं। गोपी गीत के 5 श्लोक हम लोग गाएंगे।